आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे झालीमाली देवी मंदिर। तो जैसे ये हमारा एरिया है एकेश्वर ब्लॉक और कलजीखाल ब्लॉक वाला, तो वहाँ पे कुछ टेम्पल्स बहुत ही फेमस है। तो पहले कुछ ब्लॉग में मैंने दिखाया था ज्वालपा देवी मंदिर और खैरलिंग महादेव मंदिर, तो आज हमारे यहाँ का दिखाएंगे झालीमाली देवी मंदिर। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम कहीं घूमने जाएंगे वो दिखाएंगे, तो मे भी शायद झालीमाली मंदिर जाएं, तो उसका रूट मैप यहीं से है, यहीं ऊपर की तरफ जाना है हमारे गांव से। और देखते हैं और कहाँ जाएंगे, अभी तो वही है। और सुबह सुबह रोज़ मौसम इस तरीके का हुआ रहता है, पूरा पीछे बादल होते हैं, अभी तो पूरे पहाड़ दिखता ही नहीं है, तो ऐसा रहता है मौसम। और झालीमाली मंदिर मैं भी फर्स्ट टाइम जाऊँगी, मैं और मम्मी, पापा जा रखे हैं पहले और चाचा जी भी जा रखे हैं, तो देखते हैं। आज हम झालीमाली देवी मंदिर जा रहे हैं, तो जैसे पूरे भारत में हम नवरात्रों पे नौ दुर्गा की पूजा करते हैं, तो वैसे ही अलग अलग स्टेट में वहाँ की स्थानीय देवी देवता होते हैं, तो बहुत ही फेमस मंदिर होते हैं उनके, और उनका मतलब पूजा करते हैं हम। तो आज हम झालीमाली देवी मंदिर जाएंगे, तो वो भी बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ का, तो वो दिखाएंगे। तो अभी हम इस रास्ते से जा रहे हैं, कौन सा बड़े वाला नीम, अच्छा लिम्बा फोटो लेंगे, हाँ अरे गीठी भी लगी हुई है, हाँ अच्छा ये लिम्बा है, मैंने तो देहरादून में देखा था मेले में, हाँ ये तो झालीमाली देवी मंदिर हमारे यहाँ से बहुत ही पास है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, और अब शायद वहाँ तक सड़क भी चली गई है, तो पहले तो पैदल जाना पड़ता था, तो इस बार हम देखेंगे शायद सड़क चली गई है, बोल रहे हैं पापा और गए थे लास्ट टाइम तो वो पैदल गए थे, अभी मम्मी और मैं फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। मेरे साथ आ रही है मम्मी और पापा और ताई जी हैं, वो आ रहे हैं, तो वो शायद नीचे पहुंच गए, अब हम जा रहे हैं। तो ये हम जैथल गांव के रास्ते आ रहे हैं, मम्मी आ गई हाँ देखते हैं, रास्ता ही दिखाऊंगी अभी, तो क्या है गिर नहीं जाऊँ मैं यहाँ। तो कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम सड़क का बोल रहे थे ना, तो रात हो गई थी तो थोड़ी सी सड़क दिखी नहीं सही से, तो चाचा जी भी बता रहे थे कि कैसी सड़क है, वो दिखाती हूँ मैं, ये है सड़क, तो ये चलिए ऐसी दिखाती हुई ले जाती हूँ, फ़ोन कर दूँ क्या, हाँ आप वहीं रहो। तो ये है सड़क जो हम पिछले व्लॉग में दिखा रहे थे, जो ख़राब हो रखी है और इसको सही करने की डिमांड की जा रही है। तो ये है हमारी आज की जर्नी का रूट मैप, तो हमारे गांव डुंग से झालीमाली देवी मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है। आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का प्रसिद्ध माँ झालीमाली देवी मंदिर, ये देवी मंदिर आता है कंडारा गांव में। ये सड़क जा रही है सीरो के लिए, कच्ची है ये। अगर आप गुरुद्वार के रास्ते झालीमाली देवी मंदिर जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आएगा गुमखाल, फिर सतपुली, बौसाल, कंडारपानी, किंगोड़ी खाल गांव, और उसके बाद झालीमाली देवी मंदिर। ऊपर रमाडांग स्कूल है और उसके ऊपर झालीमाली देवी मंदिर। सीधे जाएगी बेटी और हमें यहाँ जाना है।
यहाँ से कहाँ जाते थे? इधर से थाबली, इधर से ये कौन सी जगह आ गई? किंगोड़ी खाल। किंगोड़ी खाल अब हम पहुँच गए हैं किंगोड़ी। किंगोड़ी में किंगोड़ी गांव है ना ये? तो ये तो किंगोड़ी तक ही है। चाबी इधर रहती है? ये किंगोड़ी गांव है। अभी मैं बाहर उतर के दिखाती हूँ। ताई जी है, फोटो खींच ली मैंने। तो अभी हम किंगोड़ी गांव पहुंच चुके हैं, तो यहां से चाबी लेनी है मंदिर की। और इधर गांव ऐसा है, पापा उधर जा रखे हैं चाबी लेने के लिए। मैं गांव दिखाती हूं थोड़ा सा। जरा पापा कह रहे इधर है वो घर जो ब्लू कलर का है, जो बड़ा अच्छा सा था। पापा ने लास्ट टाइम फ़ोटो ली थी एक घर की, तो बड़ा सा घर है वो। तो ये किंगोड़ी है। यहाँ पे सड़क अभी आ गई है, यहाँ से रास्ता है गांव में जाने का। गोबर पे पैर रख दिया मैंने। ओहो, नीचे भी देखना चाहिए वीडियो बनाते वक्त। गोबर पे पैर रख दिया। तो ये है मंदिर जाने के लिए सड़क। तो पापा वहाँ ऊपर गए हैं, वहीं चलती हूँ। पापा आ गए। किससे लाए आप चाबी? अच्छा, ये है घर। यहाँ से ऊपर जाने का मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे वाले रास्ते, पत्थर लगे। चाबी हमें मिल गई है, अब हम जा रहे हैं मंदिर के लिए। तो कम लोग आते होंगे शायद, तो इसलिए ताला लगा रहता है लगा। सुबह शाम जाते होंगे पूजा के लिए। अब चाबी लेके जा रहे हैं। अच्छा, जो नीचे है ये वाला टीर। मामा जी गांव के। अच्छा, तब से नीचे वाला घर है उनका। ये ना। अच्छा, जगह में डाल चुन ना। ये टीर गांव है। मंदिर के पेड़ वो सकिन। हाँ, वो देख, अब हर देखना वो सकिन कहते। कौन सा? ऊंची बिल्डिंग वाला। अच्छा, वो सकिन खेत है ऊपर। ये सकिन खेत के नीचे मोड़ गांव है। मानसिंह मानसिंह माँ को ये जो बड़ा है, सबसे बड़ा ना। हाँ, ऑफ रोड हो गया ये तो। अब हम झाली माली देवी मंदिर पहुंच चुके हैं। वैसे तो झाली माली देवी का मूल स्थान जो है वो फुंगार गांव चंपावत में है, पर जैसे हमारे यहाँ हर गांव के अपनी कुलदेवी होती है, तो ऐसे ही ये कंडार गांव जो है खुशहाल बंधुओं का, उनकी कुलदेवी झाली माली देवी है। तो हम अब आपको झाली माली देवी मंदिर दिखाएंगे। तो ये पीछे है मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर बना रखा है, वही दिखाएंगे अब आपको।
माँ झाली माली को अग्नि की देवी माना गया है और संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में अग्नि देव के रूप में नहीं देवी के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। हिमालय क्षेत्र में अग्नि देवी को झाली माली, ज्वालपा और ज्वाला आदि नामों से जाना जाता है। एक जागर में ज्वालपा को झाली माली देवी की छोटी बहन भी कहा गया है। झाली माली, ज्वाला और ज्वालपा की ज्योति को अन्य स्थानों में ले जाने की परंपरा है। माँ झाली माली मातृ देवी हैं और यह भी मान्यता है कि झाली और माली दो बहनें थीं जो कि बाद में एक तत्व होकर झाली माली नाम से विख्यात हुई। झाली माली का आदि संबंध माँ बाला त्रिपुरा सुंदरी से भी माना जाता है। माँ झाली माली देवी के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह अपने भक्तों को आने वाले अपशगुन के बारे में उनके स्वप्न में आकर आगाह कर देती हैं ताकि वह आगे के लिए सचेत हो जाएँ। यह भी कहा जाता है कि भीमा कठैत, रणुरौत, सेदेई और जिया रानी की गाथाओं में देवी ने इसी रूप में उनकी मदद की थी, इसलिए माँ झाली माली को स्वप्न की देवी भी माना जाता है। हमारे गढ़वाल में माँ झाली माली देवी के बारे में एक कथा बहुत ही प्रचलित है। कहा जाता है भाई बहन के अटूट प्रेम की कथा और गाथा सेदेई गढ़वाल में घर घर में सुनाई और गाई जाती है। कहते हैं जब सिद्धेई पहली बार अपने भाई के उनके ससुराल आने की खुशी में अपनी पूर्व प्रतिज्ञा अनुसार झाली माली देवी को पशु बलि देने लगी तो देवी ने सिद्धेई से उनके पुत्रों या भाई की बलि की मांग कर दी। पर सिद्धेई किसी भी हालत में अपने छोटे भाई को खोना नहीं चाहती थी, अतः उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को भाई के बदले बलि स्वरूप माँ झाली माली देवी को भेंट कर दिया। इसी प्रकार अपने छोटे भाई के प्रति अपार स्नेह वाली सिद्धेई पर देवी झाली माली ने प्रसन्न होकर सिद्धेई द्वारा भेंट चढ़ाए गए उनके दोनों पुत्र उमरा और सुमरा को झाली माली देवी ने जीवित कर दिया। ये झाली माली देवी मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर बना रखा है, काम भी बहुत अच्छा हो रखा है। यहाँ पे दिखाती हूँ मैं मंदिर कैसे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा मंदिर। से आए हम और ये बैठने का भी बहुत बड़ा एरिया बना रखा है, बहुत अच्छे से टाइल्स लगा रखी है सब। और ये यहाँ से एंट्री है और काम बहुत अच्छा कर रखा है यहाँ पे। अच्छे लगते हैं ऐसे मंदिर, परिक्रमा करके दिखाती हूँ। तो ये है, घास कितनी सुंदर लगी हुई है। पीछे पूरा घास है यहाँ पे, इस बार बारिश अच्छी हुई है तो घास भी बहुत अच्छी लग रखी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसी घास। आप यहाँ से ऐसे और यहाँ ऐसे पूरा, यहाँ फूल भी लगा रखे हैं अच्छे वाले। और इतना ज़्यादा एरिया है बैठने के लिए, कुछ फंक्शन भी करना हो, कितना बढ़िया बना रखा है। और फिर यहाँ आ जाते हैं, बहुत बढ़िया काम कर रखा है मंदिर का।
तो अभी हम झालीमाली देवी मंदिर में हैं। तो ये पौड़ी के कंडारा गांव में है झालीमाली देवी मंदिर। तो बहुत सुंदर मंदिर बना रखा है, तो अभी आपने देखा होगा। तो पहले तो सड़क नहीं थी, अभी सड़क आ गई है। लास्ट टाइम जब पापा आए थे तब सड़क नहीं थी, तो अभी हम सड़क के रास्ते आए हैं। कच्ची सड़क है अभी, तो सड़क आ चुकी है यहाँ पे। जैसे ज्वाल्पा देवी को अग्नि की देवी कहा जाता है, वैसे तो झालीमाली देवी को युद्ध की देवी और अग्नि की देवी भी कहा जाता है। तो पहले के ज़माने में जब राजा महाराजा युद्ध में जाते थे तो ध्वजा चढ़ाने का होता है हमारे यहाँ, तो उसके लिए आते थे ध्वजा चढ़ाने के लिए देवी मंदिर में। तो ये वाला मंदिर तो अभी नया बना है, तो पहले जो कोई मंदिर होता होगा उसमें जाते होंगे राजा महाराजा ध्वजा चढ़ाने के लिए। तो जैसे झालीमाली देवी बोलते हैं हम, तो झालीमाली का मतलब होता है सुंदर सजी धजी देवी। तो झालामाला जो होता है शब्द, उसका मतलब होता है संपूर्णता वाली देवी, तो इसलिए इसको झालीमाली देवी कहते हैं। कहाँ है कंडार गाँव? कंडार गाँव ये पेड़ है। अच्छा, उन्हीं का मंदिर है ना ये? हाँ। उनकी कुलदेवी है? हाँ, वो 5-7 सालों के गाँव है आसपास, तो सबने मिलके बनाया। अच्छा, बड़ी मेहनत से बनाया, बड़ा अच्छा बनाया। अच्छा, मेरे को ये नहीं पता था कि 7 गांव है कुक्षाल के। अच्छा, जब हम पढ़ते थे 72 में आठवीं पास किया था ना, वहाँ से नीचे सरवा डल से, तो हम यहाँ सब घूमते रहते थे, रात यही रहते थे स्कूल में। अच्छा, तो सीरो है थोड़ा आगे, तो हमारे उनका है ना, उनका तीरथ सिंह रावत, सीरो, हाँ उनका गाँव, वो हमसे बहुत जूनियर था। अच्छा, वो तो बाद में आए उस कॉलेज में। तो हमारे पंडित जी भी तो कंडार गांव के है ना? हाँ, पंडित जी वही के हैं। तो यहाँ है कंडार गांव। अच्छा, तो 7 गांव है खुकशाल के, तो उन्होंने बनाया मिलके, तो उन सबका मंदिर है ये झालीमाली देवी मंदिर। तो ये मुझे स्टार्टिंग में डालना था, मुझे पता नहीं था, पापा ने बताया अभी कि 7 या 8 गांव है खुकशाल बंधुओं के, तो उन्होंने सबने मिलके ये मंदिर बनाया झालीमाली देवी मंदिर। तो बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया है और बहुत अच्छा काम हो रखा है इसमें, काफ़ी बड़ा मंदिर है। तो जैसे हम उत्तराखंड में माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा करते हैं, और पूरे भारत में भी नवरात्रि में 9 रूपों की पूजा की जाती है, वैसे ही यहाँ पे उत्तराखंड में स्थानीय देवी भी है, उनकी भी हम पूजा करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी फेमस देवियों के मंदिर हैं, जैसे उसमें आता है सुरकंडा देवी, ज्वाल्पा देवी, अनसुईया देवी और झालीमाली देवी और नंदा राजेश्वरी देवी। तो इन सब के मंदिर भी हैं और ये यहाँ की स्थानीय देवी है, और इनकी भी हम पूजा करते हैं। यहाँ खेतों में घास इतनी सुंदर लगी हुई है, तो इस बार सब कह रहे हैं बारिश ज़्यादा हुई है तो घास भी बहुत लगी है, तो ये इतना सुंदर लग रहा है। पूरी ये घास लगी हुई है, तो अभी क्या पता काटेंगे लोग गायों के लिए, फिर पलकुंड लगाते हैं, सर्दियों में घास नहीं होती ना, तो इस घास को काटते हैं और फिर पलकुंड लगाते हैं। कर ली मैंने परिक्रमा एक क्या देखिए, तो अभी सब घास सुखा रहे हैं और पलकुंड लगा रहे हैं। पलकुंड मतलब ऐसे पेड़ होता है, उस पे ऊपर घास को टांग देते हैं, फिर सर्दियों में काम आती है ये वाली घास, तो बहुत सुंदर लगी हुई है। टाइल्स का डिज़ाइन भी अच्छा है एकदम, जैसे पत्थर की उसकी तरह ना टाइल्स है ये। कैसा लगा मंदिर आके बताओ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, मन बहुत सुंदर, शांति मिली। अच्छा, माता रानी देख के बहुत शांति मिली। अच्छा, और पापा आप तो सेकंड टाइम आ रहे हो। मेरे को अच्छा लगे। हां, मेरा तो इलाका है ना, हम तो पड़े हैं इधर। हां, आप तो इलाका भी थी हो गया। अब आपका इलाका है, हमारा इलाका, हमारे इलाका बीच, हमारे ये एंट्री है। अच्छा, यहाँ से सब दिख रहा है, यहाँ कहाँ, दो तीन फैमिली आए ना तब। हाँ, यहाँ तो प्लेन है, बना सकते हैं।
और ये झाड़ी माली देवी मंदिर, तो जो भी इस एरिया में रहता है ज़रूर आए, बहुत सुंदर मंदिर है और बहुत ही अच्छे से कंस्ट्रक्ट करा है, बहुत मेहनत करी है और जिन गांवों ने मिलके बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। मुझे कंडार गांव का ही नाम पता है, बाकी नहीं पता मुझे अभी, तो बहुत सुंदर मंदिर बनाया है सबने मिलके। जब हवा चलती है ना तब ये बहुत सुंदर लगता है, एकदम ऐसे लहरें आती है जैसे उसकी तरह दिखता है, लहरों की तरह। अब पूरे लगी हुई है इस बार घास खूब सारी। ये रहा मंदिर, तो ये मंदिर के पीछे का एरिया है, तो यहाँ पे पूरी घास लगी हुई है, तो यही वाली घास जो है वो गाय को खिलाने के लिए यूज़ की जाती है। तो अभी बारिश अच्छी हुई है तो ये पूरी घास जो है बहुत अच्छे से लगी हुई है, तो इसका मैंने वीडियो बनाया, मुझे ऐसी घास बहुत अच्छी लगती है, मैंने इसका एक वीडियो बनाया, वो डालूंगी मैं। और ये मतलब पूरा दिख रहा होगा, तो तितली भी है इसमें और घास भी लगी। तितलियाँ बहुत है सुंदर सुंदर, तो मेरे फ्रेम में आ नहीं रही है, देखो आई ये रही। बहुत सारी है यहाँ पे,
ये गांव देखने के लिए इधर उधर जा रहे हैं। गांव आज पर धुंध भी हो रही है, दिख भी नहीं रहा सही से ना। उस दिन कांसखेत गए थे ना, बहुत अच्छा मौसम था। कांसखेत गए थे ना उस दिन, बहुत अच्छा मौसम था, ऐसे धुंध नहीं थी। अब पापा वहाँ जा रहे थे गांव देखने के लिए। अच्छा हाँ, मैं वीडियो में एक बार खुशहाल गांव बोल रही थी, पर कंडार गांव है ना। खुशहाल गांव भी है क्या? ये तितली, और ये कितना अच्छा लग रहा है, घासी घास। मैं तो पहली बार देख रही इतनी ज्यादा घास। किसी ने खेतों में कुछ बो रखा है, ये तो बिल्कुल फिल्म की शूटिंग करने जैसा हो रखा है। गांव देख रहे हैं यहाँ से, तो वहाँ पे तो भेटी है, रोड है इधर से, भेटी से पहले कट जाती है ये वाली रोड झाली माली देवी मंदिर के लिए। कौन कौन से गांव देख रहे हैं, ये रहा मंदिर ऊपर। अच्छा है यहाँ पे, तब ये मोहन बात बना जाओ रोटी नहीं कर सब्जी जो नीचे तब हम खा पिए। वहाँ कितना जंगल है ना चीड़ के पेड़ों का। यहाँ पीछे बहुत जंगल है, ये क्या होगा? वहाँ से हम जब कांसखेत गए थे तो वो वाली सड़क उधर से फिर हम इधर देख रहे थे, तो उस दिन का तो साफ है एकदम व्यू। ये आई तितली एक फ्रेम में।
आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज के ब्लॉग में हमने आपको पौड़ी गढ़वाल का झाली माली देवी मंदिर दिखाया। तो ये कंडार गांव में आता है और जो 6-7 खुशहाल गांव हैं उन सब ने मिलके इस मंदिर को बनाया है, बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही।